प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल कम रोड ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल ने अब असम के डिब्रूगढ़ को धीमाजी से जोड़ दिया है। पुल के बन जाने से अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा से सटे अन्य प्रदेशों से आवागमन आसान हो जाएगा। इस पुल की आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने रखी थी। हालांकि पुल का निर्माण कार्य 2002 में अटल सरकार में शुरू हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से चीन के साथ लगी सीमा पर भारतीय सेना की पहुंच आसान हो जाएगी। पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। यह देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल तो है ही, साथ ही एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल भी है। पुल के ऊपर 3 लेन की सड़क है और नीचे दोहरी रेल लाइन है। यह पुल नदी के जलस्तर से 32 मीटर की ऊंचाई पर बना है। पुल को स्वीडन और डेनमार्क से जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर बनाया गया है। पुल के बन जाने से डिब्रूगढ़ से अरुणाचल की 500 किलोमीटर की दूरी घटकर 100 किलोमीटर हो गई है। प्रधानमंत्री ने बोगीबील पुल से गुजरने वाली पहली यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी भी दिखाई। तिनसुखिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस नाम की यह ट्रेन हफ्ते में 5 दिन चलेगी। कुल 14 कोचों वाली यह रेलगाड़ियां तिनसुखिया से दोपहर में रवाना होगी और नाहरलगुन से सुबह वापसी करेगी। लड़ाई से लेकर देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया, राजनीति से लेकर समाज सेवा, ज्ञान विज्ञान और खेल कूद तक असम को, देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है। मैं असम की स्वर कोकिला पद्मश्री दीपाली बोर ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके जाने से असमिया सुरों को देश विदेश के असंख्य दिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है। सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने पराए तेरा मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। साथियों, यही प्रयास बीते 4.5 वर्ष से केंद्र और अब आसाम की सरकार हो, अरुणाचल की सरकार हो, ये निरंतर कर रही है। आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड ब्रिज के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार का सौभाग्य है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के इन दोनों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करने का अवसर हमें ही मिला। बीते 4.5 वर्षों में ब्रह्मपुत्र पर बनाए ये तीसरा ब्रिज है। आजादी के 60-70 वर्षों में
ब्रह्मपुत्र पर तीन ब्रिज बने, 60-70 साल में तीन ब्रिज, और बीते 4.5 वर्ष में भी हमने तीन ब्रिज और बनाए हैं। 5 नए पुलों के निर्माण की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है। जब ये सारे पुल तैयार हो जाएंगे तो ब्रह्मपुत्र के उत्तर और दक्षिण के किनारों के बीच कनेक्टिविटी तो सुदृढ़ होगी ही, यहां उद्योग और कारोबार का भी नया अध्याय लिखा जाएगा।